ओके लेट्स बिगिन। देखिए लास्ट लेक्चर जो एक महीने के पहले हमारा चल रहा था उसमें हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें बेसिकली पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी हमको डिस्कस करना है, जिसमें एक लेक्चर हो चुका था मेनली पॉवर्टी पे, जिसमें हमने फोकस किया था। याद है कुछ? हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। जी सर। ओके तो यस ओके आप लोग जी अपने सर। जो है माइक जो है म्यूट कर लीजिए और आगे हम ओके बढ़ते हैं। सर। आज पॉवर्टी के बाद आज हम इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे, फिर अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है? और ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको मिल भी जाएगा यूट्यूब पे, जो हमारा चैनल है यूपीएससी की अभ्युदय का चल रहा है। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी को हमको डिस्कस करना है। तो मेक आ सेंस कि यहाँ देखिए इस पिक्चर्स में, इस डिस्प्ले में, इस स्लाइड में हमने देखो कुछ पिक्चर्स डाले हुए हैं। कुछ आपको इससे सेंस समझ में आता होगा कि इनइक्वालिटी क्या है। अगर इस पहले वाले पिक्चर्स को देखें तो इसमें देखिए इनकम इनइक्वालिटीज को दिखाया गया है। ये देखिए डॉलर एकदम स्ट्रांग दिखाया गया है। इधर देखिए फ्यू लोगों को दिखाया गया है जो एकदम बढ़िया, बहुत अच्छे से इनकम है उनको, और बहुत सारे देखिए ये इनकी जो है इनकम की एक टोकरी है। इधर बहुत सारे लोग हैं जो एक तरीके से देखिए एक इकॉनमी के एक दूसरे छोर पर लटके हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत बहुत इनकम कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। दूसरी तरफ देखिए ये हम लोग अक्सर देखते रहते हैं हमारे शहरों में, एक ये एक नज़रिया जो है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के पास में ही जो है स्लम एरियाज होते हैं। तो ये क्या है, क्या दिखाता है? ये इनइक्वालिटी दिखाता है। कौन सी इनइक्वालिटी है? ये वेल्थ की इनइक्वालिटी है। इनकम का मतलब क्या है कि जो हम हर साल नया ऐड करते हैं, दैट इज़ आर इनकम, और जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, चाहे वो फिजिकल असेट हो या हमारे पास मुद्रा ही क्यों ना हो लेकिन पहले का हो, तो वो दीज आर द वेल्थ, ठीक है? तो इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि इनकम क्या है और वेल्थ क्या है। साथ साथ इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि किसी की इनकम बहुत ज़्यादा होना, किसी की इनकम बहुत कम होना, ठीक है? इसी तरीके से अगर वेल्थ इनइक्वालिटी की बात करें, माइक आप लोग म्यूट कर लीजिए। इसी तरह अगर हम वेल्थ इनइक्वालिटी की बात करें तो वेल्थ इनइक्वालिटी में क्या होता है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा एसेट्स होते हैं और बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम से होते हैं। तो हमको क्या करना है कि हमारी सोसाइटी जो हो वो इक्विटेबल होनी चाहिए। इक्विटेबल सोसाइटी के होने के बहुत सारे फायदे हैं। तो हम इक्विटेबल सोसाइटी, उससे क्या होगा कि हमारे पास पॉवर्टी कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, एक हारमोनियस सिचुएशन होगा सोसाइटी में। तो उससे रिलेटेड दो चीज़ें और भी समझना है हमको, एक होता है इक्वालिटी और एक होता है इक्विटी, ये भी दोनों हमको समझना है, ठीक है? अब देखिए इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। आजकल हम दरअसल इक्विटी की बात करने लगे हैं। इक्वालिटी अब एक तरीके से ये एक थोड़ा सा ओल्ड फैशन का टर्म हो गया है। तो इक्वालिटी का मतलब क्या है, देखिए जैसे तीन लोगों को हमको ऊपर उठाना है, यानी कि मान लीजिए तीन लोगों के इनकम को हमको बढ़ाना है, वो गरीब हैं तो सबको बराबर बराबर एक ये देखिए स्टेज दे दिया गया है, सबका बराबर इक्वल स्टेज। हेलो, स्क्रीन नहीं आ रही? हेलो, देख 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 यस देख रहा सर। हूँ। जी सर। अब आ रहे हैं इसके? ओके आप लोग बताएं, स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं स्क्रीन पे? यस सर। इक्वालिटी, इक्विटी और वेल्थ इनक्वालिटी जो मैंने फिगर बनाया हुआ है, ये दिख रहा है आपको? अच्छा यस सर। ठीक, ओके ओके देखो,
ओके ओके ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इक्वालिटी की, मतलब बराबर बराबर, अच्छा अगर बराबर बराबर अगर हम सबको स्टेज दे दे तो इक्वालिटी है। इक्विटी थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है, ये आजकल हमारे फैशन में ये आ गया है। हम आजकल इक्वालिटी की बात नहीं, इक्विटी की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए ये रेड शर्ट वाला पीपल जो है, ये थोड़ा सा जो है स्ट्रांग है, हेल्दी है, तो इसको हमको क्या है सहायता के देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हमारे BPL APL और जो है अंत्योदय कार्ड जो बनते हैं वो इसी के आधार, इक्विटी के आधार पे बनते हैं, जिसको जितना ज़रूरत हो उसको उतना दिया जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा, इसको कुछ नहीं दिया गया, इसको थोड़ा सा ऊंचा दिया गया स्टेज, इसको और ऊंचा एक जो है वो दिया गया क्योंकि इसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये एक इक्विटी का सेंस है। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ पा रहे होंगे सबसे पहले कि इनइक्वालिटी क्या है, इक्विटी क्या है, इक्वालिटी क्या है। ठीक है, फिर जब हम ये बातें समझ लेंगे तो इनकम और वेल्थ की बातें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। ये तो हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए पहला पेज समझने के लिए अगर डिफाइन करें तो यूनाइटेड नेशन ने क्या डिफाइन किया है, इनइक्वालिटी को कैसे डिफाइन किया है। उन्होंने कहा कि द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इक्वल, जैसे हमने अभी इक्वल होने का एक वो देखा कि कैसे इक्वालिटी को डिफाइन किया गया है। तो स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इक्वल मतलब हम अगर इक्वल ना हो किस में, स्पेशली इन द स्टेटस। जैसे बहुत सारे लोग बहुत अमीर होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा अधिकार होते हैं, बहुत लोगों के अधिकार नहीं, वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, राइट्स की बात हो गई, अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, किसी के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे नहीं हैं। तो ये सोशल स्टेटस एज वेल एज पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक तीनों टर्म में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली जो हमको डील करना है, हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करेंगे कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या अपॉर्चुनिटीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या हम कह लें वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन अमंग द डिफरेंट क्लस्टर ऑफ द सोसाइटी या डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज के प्रत्येक हिस्से, अलग अलग हिस्से में लोगों का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, तो वो हमारा को है इनइक्वालिटी हो जाएगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इसी तरीके सोशल इनइक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आप देखते हैं कि हमारी सोसाइटी कितनी डिवाइडेड है, रिलीजियन कितने ज़्यादा उसमें वो है, प्रेस्टीज है, रेस है, कास्ट है, एथनिसिटी है, जेंडर, जेंडर वन ऑफ दी हॉट टॉपिक ऑफ द UPSC, आपको इसको छोड़ना ही नहीं है, मतलब पढ़ना है कितनी ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटीज है। दीज आर द सोशल आस्पेक्ट्स दैट आल्सो हैव इकोनॉमिक सेंस, जो एक उसके उसमें भी एक आर्थिक तथ्य छिपा हुआ है। ठीक है, तो और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। फिर अगर हम बात करें कि इनइक्वालिटी जो है पॉवर्टी से बहुत ज़्यादा एक इंटर रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट से इंटर रिलेटेड है, दैट टर्म इज़ क्लोजली रिलेटेड विद पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी। अनएम्प्लॉयमेंट है तो इनइक्वालिटी है, एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनइक्वालिटी कम होगा, पॉवर्टी है इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्लोजली रिलेटेड टर्म्स हैं। ठीक है, देयर इज सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम, उसके बीच अंतर भी है। जैसे इनइक्वालिटी की बात करें तो फुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलबींग की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करते हैं। पॉवर्टी क्या है, ये केवल लोअर एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, केवल हम गरीब लोगों की बात करते हैं। इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो हम अमीरों की भी बात करने लगते हैं। ठीक है, कि उनके इनकम क्या है इन कंपेरिजन लोअर सेगमेंट के। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिकली अंतर है। अब बात ये आती है कि हम कैसे इसको मेजर करें, कैसे हम इसको नापें कि इनइक्वालिटी कैसे है समाज में। ठीक है, समझ में आ रहा, आवाज आ रही है? जी सर, जी ओके सर, ठीक। तो फिर अब बात होती है कि इनइक्वालिटी को कैसे हम मेजर करें। तो सबसे पहले लॉरेंस कर्व का एक जो है डेवलपमेंट किया गया बाय द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट नोन एज मार्क्स लॉरेंस, और इन्हीं के नाम पे इसको लॉरेंस कर्व कहा गया। ये दरअसल इन्होंने इजाद किया था 1905 में, 1905 में। ठीक है, तो ये देखिए UPSC का तो ये हॉट टॉपिक है, वहाँ ये इस पे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लॉरेंस कर्व क्या मेजर करता है, गरीबी मेजर करता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, वेल्थ,
ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ को मेजर करता है इन पॉपुलेशन में, तो ये चीज़ ध्यान रखने है। ठीक है, लॉरेंस कर्व ग्राफ्स परसेंटाइल ऑफ द पॉपुलेशन अगेंस्ट द क्यूमुलेटिव इनकम और वेल्थ ऑफ द पीपल एट द एट और द बिलो द एट परसेंटाइल। मतलब कि एक परसेंटाइल का मतलब जैसे क्या है, 10th है, 10% पीपल के पास कितनी इनकम है, 1% पीपल के पास कितनी इनकम है, ठीक है, पूरे वेल्थ का या पूरे इकोनॉमी का जीडीपी है कितना, किसके हिस्से में जा रहा है। ठीक है, तो परसेंटाइल का इसका मतलब हो गया परसेंटाइल। लॉरेंस कर्व अलॉन्ग विद दियर डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स आर वाइडली यूज टू मेजर इनइक्वालिटी अक्रॉस द पॉपुलेशन। और ये आजकल दरअसल इसके आधार पे हम गिनी कोफिशियंट निकालते हैं, गिनी कोफिशियंट के आधार पे जो है हम इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं। तो ये हमारा लॉरेंज कर्व है, आप देख सकते हैं। तो इधर क्या है कि हमने क्या है क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन ले रखा है, यानी पॉपुलेशन का परसेंटाइल है ये, 0 से 20%, 40%, 60%, 80% एंड 100%। और हमारा जो है वाई एक्सिस पे क्या है, क्यूमुलेटिव पोर्शन ऑफ द इनकम है, कि जो हमारा जीडीपी है टोटल, मान लीजिए 100 करोड़ की जीडीपी है, तो ये हमारा 20, 40, 60 और इस तरीके से लिया गया है। तो परसेंटेज ऑफ उस इनकम का जो जीडीपी है या वेल्थ है उसका कितना परसेंटेज किसके हिस्से में जा रहा है। ठीक है, और ये जो हमारी एक ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है, लाइन ऑफ इक्वालिटी इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं। और ये जो हमारे रेड कलर की लाइन है, ये हम बोलते हैं लॉरेंस कर्व, इसको क्या बोलते हैं, लॉरेंस कर्व। अगर सोसाइटी में, अगर सोसाइटी में पूर्णतया इक्वालिटी होगी, अगर समाज बिल्कुल इक्वल होगा, तो ये रेड कलर की जो लाइन है ये ब्लू कलर की लाइन पे कॉइंसाइड हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये इस पर चिपक जाएगी, यानी कि समाज में इनइक्वालिटी नहीं है। लेकिन अगर ये रेड कलर की जो लाइन है अगर ये पीछे हटता जाएगा, तो उतनी ही ज़्यादा इनइक्वालिटी समाज में बढ़ती जाती है। और या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा लाइन ऑफ इक्वालिटी की, वैसे वैसे इनइक्वालिटी समाज में कम होगी। तो गिनी कोफिशियंट यहीं से निकलता है, कि गिनी कोफिशियंट यहीं से निकलता है, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से ज़्यादा और 1 से कम। अगर 0 है वैल्यू तो इसका मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, और अगर वैल्यू जो है 0 से बड़ी है तो मतलब इनइक्वालिटी है, अगर 1 के करीब है तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। अब इसको निकालते कहते हैं, कैसे हैं गिनी कोफिशियंट को हम कैसे निकालते हैं, तो इसका निकालने के तरीका ये है, यहाँ फार्मूला हमने लिखा हुआ है कि एरिया बिटवीन द डायगोनल एंड लॉरेंज कर्व। ये हमारा डायगोनल है ब्लू कलर, ठीक है, बिकर्ड जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये इसके और लॉरेंज कर्व के बीच का एरिया है, यानी कि ये जो रेड कलर से बनता हुआ ये वाला एरिया है, इसको अगर हम बटे में रखें इसके पूरे एरिया के, ये जो त्रिकोण बन रहा है ब्लू कलर के साथ, तो इससे क्या होगा, हमारा निकल के आएगा गिनी कोफिशियंट, यानी कि कितना ये एरिया है रेड कलर से जो घिरा हुआ है, और कितना ये पूरे ट्रायंगल का एरिया है। ठीक है, अब चूंकि ये डायगोनल है तो चाहे ये ट्रायंगल ले लें चाहे ये ट्रायंगल ले लें, दोनों की वैल्यू इक्वल ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से गिनी कोफिशियंट निकलता है जिसकी वैल्यू 0 से 1। अगर ये इसमें चिपक जाएगा तो ये एरिया शून्य हो जाएगा, इसलिए गिनी कोफिशियंट की वैल्यू 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो इसका मतलब परफेक्ट इक्वालिटी, यानी कि समाज में इनइक्वालिटी है ही नहीं है, गरीब अमीर सब एक बराबर हैं। लेकिन अगर ना हो तो इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो लॉरेंज कर्व आपने समझ लिया होगा। इसमें कोई किसी को दिक्कत, कुछ पूछना है सर? गिनी कोफिशियंट निकालना एक बार और बता दीजिए। अच्छा देखिए, ये डायगोन, और एक क्वेश्चन और है सर। हाँ सर, ये जो आप बता रहे हैं ये रेड लाइन नीचे की ओर जा रही है जैसे, जी तो क्या ये ऊपर की ओर भी जा सकती है, जैसे लॉरेंज कर्व वाली जो आप बता रहे हैं? ये कर्व देखिए, ये ऊपर भी जा, ये देखिए ग्राफ ऊपर वाले ट्रायंगल में भी बन सकता है, इसमें जी जी उसमें भी बन सकता है, लेकिन हमारा जो है नोटेशन चेंज हो जाएगा, क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन हमको इधर लेना पड़ेगा, तो चाहे इधर से बनाए उधर से बनाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो लॉरेंज कर्व है यानी कि रेड कलर की जो लाइन है वो लाइन ऑफ इक्वालिटी की उस ट्रायंगल में नहीं जाएगा। ठीक है, उस ट्रायंगल में जाने का मतलब क्या है कि वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, चूंकि होगा नहीं ऐसा। ओके ओके
ओके, हाँ यही तो सर पूछना चाह रही थी। हाँ ठीक है, ओके। ओके। तो ये जो और ट्रायंगल सर, ट्रायंगल बन रहा है ये देख रहे हैं, ये एक जो है चतुर्भुज है, आयत है, जिसमें एक ट्रायंगल नीचे की तरफ बनना है, एक ऊपर की बनना है, लेकिन दोनों ट्रायंगल की वैल्यू सेम है। तो जो ये ट्रायंगल की वैल्यू है उसको अगर हम भाग दे दें किससे, ये जो रेड कलर वाली एरिया है, तो हमारा गिनी कोफिशिएंट निकल आएगा। सिंपल सी बात है कि जो रेड कलर से घिरा, दो रेड कलर और लाइन ऑफ इक्वलिटी के बीच का एरिया है, यानी ये एरिया ऑब्लिक ये पूरा ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा गिनी कोफिशिएंट। अरे सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये पूरा ट्रायंगल की वैल्यू हमारा, हेलो। हाँ 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 जी सर, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हाँ क्या सर ये HDI जो रिपोर्ट निकलती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, क्या इससे रिलेटेड है ये ग्राफ? हाँ दरअसल अब क्या है, HDI इंडेक्स के कई पैरामीटर अब निकलने लगे हैं, उसमें इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI जो निकलता है उसमें इसको इंक्लूड किया जाता है गिनी कोफिशिएंट में, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मान लीजिए अगर ट्रायंगल की वैल्यू 100 है, जैसे कि हमारा मार्क्स होता है, और ये रेड कलर से और ब्लू कलर के बीच का एरिया का मार्क्स, मान लीजिए जो एरिया है वो मान लीजिए 25 है, तो 25/50 ये हमारा क्या निकल के आएगा, गिनी कोफिशिएंट। आप समझ में आ गया? यस सर, यस ओके जी थैंक। सर। ठीक है, तो ये अब इसके बाद जो है दूसरा एक मेजर जो है इस्तेमाल किया जाता है, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक इकोनॉमिस्ट हैं और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट भी इनको बोला जाता है, तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, यानी इनकी एक परिकल्पना थी। इन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, यानी कि अगर हम, ये हमारे एक्सेस है, ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये हमारा वाई एक्सेस है, अगर एक्स एक्सेस पे हम पर कैपिटा इनकम ले लें, कि यानी कि व्यक्ति पर व्यक्ति आय ले लें प्रति व्यक्ति, और इधर हम लोग ले लें इनइक्वालिटी असमानता, या आप गिनी कोफिशिएंट ले लें, तो इनका कहना ये था कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है देश में, जैसे जैसे आर्थिक विकास देश में होता है वैसे वैसे क्या होता है, इनइक्वालिटी बढ़ती है, ठीक है, और फिर एक स्तर पे पहुंचने के बाद जो है इनइक्वालिटी में गिरावट होती है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बहुत टफ बात इन्होंने नहीं कहा, कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे इनइक्वालिटी बढ़ती है, क्योंकि आर्थिक विकास जब होगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो इनइक्वालिटी भी बढ़ेगा। जैसे इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं, एक इस पॉइंट पे देख रहे हैं, इस पॉइंट पे अगर देखें तो देखिए इनकम पर कैपिटा इनकम इतनी है, यानी कि इतनी, और जो है इनइक्वालिटी जो है इतनी है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे इक्वालिटी बढ़ रही है, लेकिन एक इंटरमीडिएट रेंज के बाद, लेवल के बाद क्या होता है कि इसमें गिरावट होती है। जब एजुकेशन का लेवल बढ़ जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है प्रो इक्वालिटी बेस्ड हो जाती हैं, तो क्या है कि इसमें गिरावट होने लगती है। तो इन्वर्टेड यू शेप हाइपोथेसिस को बोलते हैं, ठीक है, जो इसकी वैल्यू है बिटवीन द 0.5 to 0.7 के बीच वेरी करती है, कि इसके बीच में होती है इंटरमीडिएट रेंज। ठीक है, अगर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है तो जो है, अगर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है तो जी की वैल्यू यानी कोफिशिएंट की वैल्यू 0.50 से 0.70 होगा, और अगर इनइक्वालिटी कम है तो 0.25 से 0.35 के बीच में होगी। ठीक है, तो ये है हमारा इन्वर्टेड यू शेप हाइपोथेसिस गिवन बाय साइमन कुजनेट्स। ये भी देखिए PCS के वन लाइनर क्वेश्चन में ये प्री में पूछा जाता है। अब ये इनइक्वालिटी हमको समझ में आ गया, कैसे मेजर करते हैं ये भी आपने समझ लिया है, तो अब बात करते हैं कि थोड़े से हम डेटा के ऊपर नज़र डाल लें। ये देखिए ये चार्ट हमने लिया है, सोर्स इसका यहाँ दिया हुआ है, highcharts.com से इसको लिया है, और इसको को ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यहाँ से हमने ये फिगर एज इट इज ले लिया है, स्वयं से बनाया नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल वेल्थ देखें, अगर दुनिया में पूरी संपत्ति का विवरण देखें तो सबसे ज़्यादा संपत्ति किसके पास है, सबसे ज़्यादा जो है नॉर्थ अमेरिका यानी कि US, कनाडा, मैक्सिको, और उसके बाद जो है यूरोप के पास, यूरोप मतलब पूरी 28 कंट्रीज, ठीक है, जिसमें स्पेन है, इटली है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, जर्मनी, नहीं वो तो ब्रिक आप उसका बता रहे हैं ना, यूरो, यूरो की बात हम नहीं करें, यूरोप की पूरे बात कर रहे हैं।
फिर जो है तीसरे नंबर पे हम देखें तो एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक में कौन सी कंट्री आ जाती हैं? साउथ कोरिया है, जापान है, चाइना है, इंडिया है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक हो गया, चाइना को यहाँ अलग से दिखाया गया है, ठीक है। तो चाइना फोर्थ नंबर पे आ गया है। फिर लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका मतलब कि बोलिविया, कोलंबिया और ये पेरू, चिली, ये सब सारे कंट्रीज आ जाते हैं। फिर हमारा इंडिया है, यहाँ देखिए कि जो पूरा, अगर ये पूरा बेल्ट है दुनिया का, तो इंडिया का पोर्शन ये है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला पोर्शन देखिए आप। फिर उसके पास पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, यानी कि अफ्रीका में देखिए, देख सकते हैं हम कितनी पॉवर्टी है इस तरीके से। तो जो दुनिया का वेल्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेटेड है ना अमेरिका और यूरोप के कंटिनेंट में। अगर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ परसेंटाइल अगर हम देखें, तो हम देखें कि टॉप 0.001% जो हैं, यानी कि 1% जो लोग हैं, उनके पास तकरीबन दुनिया का 30% वेल्थ है उनके पास, यानी यूएस डॉलर की अगर बात करें तो 16.7 ट्रिलियन डॉलर उनके पास हैं। और अगले 1% की बात करें तो उनके पास 10.7 ट्रिलियन डॉलर, यानी 19% है, ठीक है। अगर बॉटम की हम बात करें 99.9%, तो उनकी 99.9% लोगों की जो वेल्थ है, एक्युमुलेटेड वेल्थ, वो कितना है? 10.3 ट्रिलियन, यानी कि 19% मात्र, बाकी सब रिच लोगों के पास है। तो ये एक समस्या का विषय है जिस पे गवर्नमेंट को समय समय पॉलिसीज लानी पड़ती है, और आजकल इस पे दो रिपोर्ट भी आती है, उस रिपोर्ट को हमेशा हमको देखना पड़ता है, ठीक है। और अभी नई रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन 19 की रिपोर्ट हमने यहाँ उसका कुछ स्नैपशॉट लिया हुआ है, तो आप वहाँ आप उसको रेगुलर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक क्रेडिट स्विसी ग्रुप है, ठीक है, तो ये एक स्विट्जरलैंड बेस्ड मल्टी नेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो कि अपना 10th एडिशन रिलीज किया था, ग्लोबल एनुअल ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2019 में, जिसमें इन्होंने बताया था कि किस तरीके से वेल्थ चेंज हुआ है। तो उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई थी जो है पर एडल्ट, जो इंडिया में वृद्धि दर्ज, मतलब इंडियंस की जो है 19 में वेल्थ तेज़ी से बढ़ा था, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। इसी के साथ एक ऑक्सफैम इंटरनेशनल है, जो कि इनवन इनिक्वालिटी रिपोर्ट जारी करती है। इसकी रिपोर्ट जो है, जो 19 की है, वो इस पे ही बेस्ड है, क्रेडिट स्विसी पे। इसका मोटो देखे बड़ा अच्छा लगा मुझे जो है ऑक्सफैम, कि इसके डेटा आपको हमेशा देखना है, अभी नया डेटा आएगा तो देख लीजिएगा, टुगेदर वी फाइट इनइक्वालिटी टू एंड पॉवर्टी एंड इनजस्टिस। अब देखिए, पॉवर्टी को अगर हमें ख़त्म करना है तो इनइक्वालिटी से फाइट करना पड़ेगा, यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन समाज में इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। और इनइक्वालिटी ही इसीलिए इनजस्टिस है, जो भाई जिसके पास ज़्यादा मसल्स पावर है, मसल्स पावर कम फ्रॉम मनी पावर, तो जिसके पास ज़्यादा मनी है उसके पास ज़्यादा पावर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक स्नैपशॉट की, एक हम बात करें कि जो टोटल वेल्थ इन 17 में है, 18 में है, 17 18 में है, और इनक्रीज पर डे कितना बढ़ा, ठीक है। तो इंडिया की बात करें तो 17 में 325 बिलियन डॉलर था, 18 में 440 बिलियन डॉलर बढ़ा, 17 18 में मात्र जो है 115 बिलियन डॉलर बढ़ा, ठीक है। अगर पर डे की बात करें तो 0.01, अब जो कि जो रिपोर्ट आएगी देखिए उसमें तो हमको लगता है कि वेल्थ बढ़ा क्या घट गया है उसमें, क्योंकि जीडीपी हमारा नेगेटिव चला गया है। तो अभी नई रिपोर्ट जब आएगी तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर इंडिया की हम बात करें कि इंडिया की जो वेल्थ है, एक तो हम वर्ल्ड लेवल की हम इनक्वालिटी की बात कर लिए, अब इंडिया में हमारे पास जो इनकम है, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो ऊपर के 10% लोग हैं, अगर हम पिरामिड बनाएं, ठीक है, पिरामिड बनाएं तो नीचे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऊपर पॉपुलेशन कम है, ठीक है। तो ये तो पिरामिड जो हो गया, ये पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर इस पिरामिड को उल्टा कर दें तो वो हो जाएगा वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कम लोगों के पास जो है मात्र 10% जो लोग हैं उनके पास जो है पूरे देश के आबादी का 77.4% उनके पास वेल्थ है, ठीक है, और 51.50% अर्न्ड बाय द रिचेस्ट 1%। और उसमें 77.4% की अगर बात करें तो उसमें जो 1% है, यानी कि आधे से ज़्यादा संपत्ति देश की केवल उनके पास है, ठीक है।
22.6% जो है जो संपत्ति है वो इंडिया के 90% लोगों के द्वारा शेयर किया जाता है, जिसमें जो बॉटम टेन परसेंट हैं वो जो है 4.8% जो है 90% की इनकम 22.6% है, और उसमें अगर बॉटम 60% की अगर हम वेल्थ देखें तो मात्र लगभग 5% है। ठीक है, अगर बिलेनियर की बात करें तो दुनिया में जो है 12% इंडिया के वर्ल्ड बिलेनियर्स में हैं। टॉप 1% की इनकम अगर 17 में देखा जाए तो 39% बढ़ी थी, और पोरेस्ट 50% की इनकम जो है मात्र 3% बढ़ी थी। तो आप देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी किस तरीके से समाज में व्याप्त है। ठीक है, अब इंडिया में जो इनइक्वालिटी है, दरअसल इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। ठीक है, इसमें केवल इकोनॉमिक डायमेंशंस के अलावा और भी डायमेंशंस इसमें जुड़ जाते हैं जो इसको और डीप इस समस्या को बना देते हैं। ठीक है, तो जैसे जेंडर है, हम जानते ही हैं हमारे यहाँ जेंडर के प्रति एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यहाँ जो है पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ज़्यादा इकोनॉमिक पॉलिटिकल हर तरीके से सोशल छूट है, फ्रीडम है, तो उस तरीके से वो एंजॉय करते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है, उनका पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा है। ठीक है, तो एक ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट देखें 18 में, तो इंडिया रैंक्ड 152-149, मतलब कि एकदम नीचे के उस पे हमारा देश है, यानी कि हमारे यहाँ महिलाओं और पुरुषों में भेद जो है बहुत ज़्यादा है, उसके बीच का अंतर बहुत ज़्यादा है। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं अगर उसमें देखा जाए उस जेंडर गैप रिपोर्ट के, तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन पुरुषों का बहुत ज़्यादा है महिलाओं की तुलना में, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात करें, इसमें देखिए पुरुष बहुत ज़्यादा आगे हैं, एजुकेशनल अटेनमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, आज भी देख लीजिए 33% रिजर्वेशन का बिल बहुत दिनों से अटका पड़ा है लोकसभा में। ठीक है, तो गैप बहुत ज़्यादा है एक तरीके से, यानी जेंडर गैप है, इसकी वजह से इनक्वालिटी और डीप हो जाती है। दूसरी तरफ कास्ट है, तो देखिए ये एक समझ लीजिए एक कर्स है इंडियन सोसाइटी के लिए, कि जो अपर कास्ट हाउस होल्ड हैं अगर रिपोर्ट की हम बात देखें तो उनके पास जो इनकम है अंडर नियरली वो 47% जो है अर्न करते हैं एनुअल नेशनल एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो है। द टॉप 10% विद इन दिस कास्ट अर्न 60%, और उसमें भी टॉप 10% जो है वो 60% वेल्थ जो है इनक्रीज़ करते हैं। अगर 12 की डेटा की बात करें, कौन से डेटा है, ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस की बात है उसके आधार पे, तो यानी कि जो हमारे यहाँ तथाकथित उच्च जातियाँ हैं, जात सिस्टम होने की वजह से, अब चूंकि उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अन्य चीज़ें भी उनके पास ज़्यादा हैं, तो वो क्या है कि इकोनॉमिक पावर भी उनके पास ज़्यादा है, तो एक कास्ट सिस्टम जो इंडिया में है इसको इस समस्या को और गहरा कर देता है। रिलीजन की बात करें तो भी एक डायमेंशन से भी निकल के आता है कि ज़्यादा हिंदूज हैं इस देश में, ज़्यादा हिंदू हैं, उसके बाद जो है मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन हैं। ठीक है, तो लेकिन इकोनॉमिक अगर हम करें, इकोनॉमिक पावर की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें इनकम जो है, जैसे जो जैन कम्युनिटी है, हालांकि जैन कम्युनिटी सिख कम्युनिटी को हिंदू बाय कॉन्स्टिट्यूशन अगर प्रोविजन के हिसाब से देखा जाए तो बुद्धिस्ट जैनिज्म और सिखिज्म ये हिंदुइज्म का ही पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से। ठीक है, तो इनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा है, पारसीज़ की इनकम ज़्यादा है, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ की जो है पॉपुलेशन शेयर, मतलब लेकिन इनका ओवरऑल इकोनॉमिक अगर शेयर की बात करें पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लेकिन इकोनॉमिक में चूंकि पॉपुलेशन कम है तो शेयर कम है। तो एक डायमेंशन रिलीजन भी हो गया। एथनिसिटी की बात आ जाती है, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा एथनिक पीपल हैं, उनके कल्चर अलग है, उनके लैंग्वेज अलग हैं, उनके डायलैक्ट अलग हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन अलग है, उनके कस्टम्स अलग हैं, तो वो भी एक जो है एक कमर्शियलाइजेशन उस हिसाब से नहीं हो पाता है। ठीक है, नेचुरल वे ऑफ तरीका जो है हमारे यहाँ एसटीज जो रहते हैं उन फल फूल और कंदमूल पे ही अपने जीवन गुजारते हैं, तो वो एक डायमेंशन वो भी एथनिसिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी का इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के देखिए यहाँ 19 की बात, यहाँ जो डेटा हमने वहाँ रखा हुआ था ग्राफ में उसी की बात यहाँ हमने फिर से की है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, तो इसमें मैं इसको रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ फिर से। ठीक है, कि जो इंडिया 19 में ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई थी पब्लिक गुड वर्सेस प्राइवेट वेल्थ, उसमें जो चीज़ें हैं कि अभी ही हमने बताया कि 10% लोग जो है 77.4% टोटल इनकम नेशनल वेल्थ का उनके पास है, तो एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, किसी को कोई
समस्या। आवाज आ रही है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। नो सर। ओके। कोई प्रॉब्लम? नो सर। यस सर। हाँ बस बोलो। यस सर। हाँ क्या नहीं समझ में आया? किसी को कुछ ना समझ में आया हो? अभी तक हमने समझ में आ गया सर। जो अभी आज तक हमने डिस्कस किया है उसको एक बार हम फिर से स्लाइड्स दिखा देते हैं। ये पहले स्लाइड्स है जिसमें हमने बेसिक सेंस की जो बात की थी, डेफिनेशन की बात की, लॉरेंस कर्व की बात किया, इन्वर्टेड ट्यूब हाइपोथेसिस की बात किया, फिर हमने जो है एक डेटा देख लिया कि किस तरीके से इंडिविजुअल और कंट्री वाइज जो है ग्लोबल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, इनइक्वालिटी किस तरीके से। फिर इंडिया में हमने देख लिया कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह। अब इसमें देखिए इंडिया के इनइक्वालिटी डायमेंशंस का एक इनइक्वालिटी का एक और डायमेंशंस है, जैसे स्टेट्स की बात हम कर लें, अर्बन और पुअर की बात करें, यानी कंपोजिशन की बात करें, तो जैसे जो वेस्टर्न स्टेट्स हमारे कंट्रीज में हैं या सदर्न स्टेट जो हैं उनकी पर कैपिटा इनकम ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के मुकाबले जो है और सेंट्रल स्टेट्स के मुकाबले ज़्यादा है। तो एक डायमेंशन ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, इससे आपका आंसर कॉम्प्रिहेंसिव बन जाएगा मेंस में, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम अर्बन की बात करें तो अर्बन पॉपुलेशन 31% है, अब चूँकि बढ़ के 38% हो गई है, डेटा आता रहता है वो तो चेंजेबल है, और ज़्यादातर आबादी शहरों गाँव में रहती है, लेकिन गाँव की इनकम जो है शहरों के मुकाबले कम है। पर कैपिटा इनकम भी देख लें तो इस तरीके से गाँव और जो है शहरों के बीच भी एक पॉवर्टी का वो है जो कि छूट गया था। तो एक आप ये भी मेंशन करिएगा, नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए कि जो चीज़ें मैं यहाँ नहीं है बोला करूँ तो उसको आप नोट कर लिया करिए, ठीक है। तो एक तरीके से ये है कि इनइक्वालिटी जब होती है तो क्या है, लोग एलिनेशन की एक फीलिंग आ जाती है, उनके तरह तरह के मूवमेंट्स चलने लगते हैं, तरह तरह के अलग अपने जो है राइट्स की डिमांड करने लगते हैं, कोई अलग किसी को राज्य चाहिए, किसी को ऑटोनॉमस रीजन चाहिए, जैसे कि अभी एक इंग्लैंड हमारे यहाँ नागालैंड का एक मुद्दा चल रहा है कि एक ग्रेटर नागालैंड की बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे त्रिपुरा और जो है मिजोरम के एरियाज़ को लेकर के वो एक ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं। तो ये मांग बहुत दिनों से चल रही है, एक पॉलिटिकल डिबेट है, ठीक है। सोशल कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, जैसे कि हम देखे हैं समय के साथ जाटों का आंदोलन हुआ है, जाटों को जो है रिजर्वेशन चाहिए, एक एक और बहुत ज़्यादा वायलेंट आंदोलन हुआ है, तो सोशल कन्फ्लिक्ट अराइज होता है इनइक्वालिटी जब होती है, ठीक है। उसके बाद और वो हालांकि थोड़ा सा वो मुद्दा रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं तो केवल इनकम नहीं होता है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात होती है। जैसे मराठा को अभी जो है रिजर्वेशन की देने की बात हुई थी तो हालांकि वो क्वेश हो गया, लेकिन जो है ये बात किया जा रहा है, तो अपॉर्चुनिटी की इनइक्वालिटी होती है। जी सर, उसमें 10% दोबारा से देने की बात की गई है मराठा में। अच्छा अच्छा, तो ये क्या है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट को एक बढ़ावा देता है, कभी जो है लोअर कास्ट के लोग, कभी अपर कास्ट के लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो सोशल टेंशन अराइज होता है। और एक बात तो है ही है कि भाई इनइक्वालिटी जब होती है, जो लोअर सेगमेंट के पास जब इनकम होगी ही नहीं तो सही जाहिर सी बात है कि वो हेल्थ पे खर्चा नहीं कर पाएंगे, वो एजुकेशन पे खर्चा नहीं कर पाएंगे, फिर वो इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, तो वो केवल उनका जीवन निर्वाह का स्तर ही रहता है जो कि एक सही नहीं है, और वो एक हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को भी बढ़ावा देता है। सोशियो इकोनॉमिक जो है हमारा जो देश के फैब्रिक है वो भी चेंज होने की एक बात हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें ये है क्या इनइक्वालिटी की वजह से कि पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, यानी कि एक मोटे मोटे तौर पे अगर हम एसटीआई कर लें, एसटीआई की बात अगर करें, उसके सेगमेंट की कंपोनेंट की बात करें, उसको हम अगर ऐसा डिवाइड करें कि अपर सेगमेंट के लोगों का एसटीआई इंडेक्स जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा, लोअर सेगमेंट है क्योंकि वो एजुकेशन पे अच्छा खर्च करते हैं, वो उनकी इनकम अच्छी होती है, वो री इन्वेस्ट कर देते हैं, उनके घर के लड़के और अच्छी एजुकेशन पाते हैं, तो कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी हो जाता है, ये लोअर सेगमेंट के लोग नहीं कर पाते, तो ओवरऑल इससे इकोनॉमिक लॉस होता है एक देश का जनरल, इन जनरल कि इंडिविजुअल का लॉस तो होता ही है, लेकिन अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ तो इससे क्या है, पूरे देश का भी लॉस होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ कि MGI एक इंस्टीट्यूट है, मैकिन्सी इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट है, तो उसने एक रिपोर्ट दिया था 2015 में,
उस रिपोर्ट में उसने कहा कि जितना इंडिया में पुरुष काम करते हैं अगर उतनी काम महिलाएं भी करने लगे उनके बराबर तो इंडिया की जीडीपी 1.5% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये 2015 की रिपोर्ट थी। तो ये एक समस्या की बात है कि महिलाओं को भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा है। तो उससे क्या है कि एक इकोनॉमिक लॉस है, पूरे देश का लॉस है, केवल ये इंडिविजुअल लॉस नहीं है। अब इन इक्वालिटी को कैसे डील कर सकते हैं या कैसे डील किया जाता है? ठीक है, तो हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, जैसे कि आपने देखा होगा या पढ़ा होगा आर्टिकल 14, 15, 16, 17 का, हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है, सॉरी 18 का एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, लेकिन 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 जो है नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस्ड ऑफ द रेस कास्ट रिलीजन, ये सारी चीज़ें हैं। फिर जो है अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है आर्टिकल आपका 16 है। तो ये सारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हैं जो इन इक्वालिटी को ही डील करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ एक अलग से कमीशन बना हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन कमीशन जो है, उसके अलग एक मिनिस्ट्री बनी हुई है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, आपने देखा होगा। तो उनके एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, प्रयास कर रही है। इंक्लूजन ऑफ द रेस माइनॉरिटी, और जो हमारे यहाँ जो कम संख्या में है रिलीजन के आधार पर, उनको भी अलग से प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी किया जाता है। और ऐसे भी गवर्नमेंट जो है स्टेचुरी लेवल पे भी उनके लिए काम करती है, प्लानिंग और प्रोग्रामिंग भी। जैसे जेंडर वेस्टिंग आता है, जेंडर वेस्टिंग किसका वो है, वुमेन एम्पावरमेंट का एक टूल्स है। ठीक है, तो उसी तरीके से रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए अलग अलग, जैसे उस्ताद, नई रोशनी, ये सारी स्कीम जो लॉन्च किया गया है वो रिलीजियस माइनॉरिटी स्पेशली जो है कश्मीर में मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक ये प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज स्टेचुरी और जो है प्लानिंग एंड पॉलिसीज के हिसाब से। टैक्सेशन क्या है, टैक्सेशन हमारा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कैसे हम डील कर सकते हैं, यानी कि टैक्सेशन का जो सिस्टम है हमारा प्रोग्रेसिव होना चाहिए। यानी कि प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि जिसके पास ज़्यादा इनकम, जितना इनकम हो वो उतना ज़्यादा टैक्स दे, जिनके पास कम इनकम है वो कम टैक्स दें, जिनके पास इनकम नहीं है वो टैक्स ना दे, बल्कि जिससे टैक्स लिया गया उसका एक पोर्शन उसके तरफ जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, फिर क्या है इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज के हिसाब से डील कर सकते हैं, ये पहले ही हम बताती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जैसे चल रही है, मनरेगा के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। तो क्या है कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट ये दरअसल एक दूसरे से बहुत ही इंटरलिंक्ड हैं, इंटरविंट हैं, मतलब कि एक चीज़ें दूसरे को अफेक्ट करती हैं। अगर पॉवर्टी को ख़त्म करेंगे तो इनइक्वालिटी कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तो इनइक्वालिटी कम होगा और जो है पॉवर्टी कम होगा। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। UPSC अगर क्वेश्चन बोल पूछेगा तो कुछ इसी तरीके से इंटरलिंक्ड के लिए आपको डिस्कस करना पड़ेगा और ऐसे ही पूछेगा भी। ठीक है, तो ये मेजर सर एक सवाल था। हाँ बोलिए सर, सब कुछ इतना अच्छा है, इतना अच्छे सिस्टमाइज करके बना हुआ है, हमसे पहले जो बन के गए हैं, जैसे अम्मी तो अभी तो अभी गेट है, जो हमसे पहले बन के गए हैं वो भी यही पड़े होंगे, तो तब भी भारत इतना पीछे और ऐसी असमानता क्यों सर? ये देखिए, हम सिस्टम को दिनों दिन क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात ये है कि ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है, तो जिसके पास जितना धन है वो उसको उतने ही बेहतर तरीके से यूटिलाइज करता है रिसोर्सेज। अगर हमको 5,000 रुपये मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका सेविंग करेंगे, लेकिन जिसके पास जो है, जो बड़े लोग हैं उनके लिए 5,000 है तो वो क्या करते हैं, 5,000 उनके लिए हालांकि कोई मायने नहीं रखता, लेकिन 5,000 भी वो 5,000 से कमाने के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो मतलब कि ये जो हमारा ये सिस्टम है कैपिटलिस्ट सिस्टम, उसमें ये इनहेरेंट प्रॉब्लम्स है कि उसके साथ इनइक्वालिटी जनरेट होगा ही होगा। उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, वो हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म के हिसाब से ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिनों दिन चल रहा है, चलता ही रहेगा। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है भाई कि जो बिजनेस कर रहा है सबसे ज़्यादा इनकम उसको जाएगा, है कि नहीं? जी सर। तो वो अब जैसे यहाँ आप इसको इंटरलिंक करिए, जो अभी हमने बताया कि इन्वर्टेड यू शेप जो हाइपोथेसिस जो है साइमन कुज़नेट्स ने दिया था,
कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इनइक्वालिटी तो बढ़ेगी, ये सिस्टम का दोष है। लेकिन एक समय आएगा कि जब इनइक्वालिटी की तरफ इनइक्वालिटी हमारा कम होगा, इक्वालिटी की तरफ हम बढ़ेंगे, यानी लोअर सेगमेंट के लोगों की। जैसे अभी याद करिए कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, रिलेटिव इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे कि आज के 10 साल पहले मजदूरी कितनी थी सर? 100-150 रुपए। और अभी 400 रुपए। तो अंतर आ रहा है ना, तो बढ़ेगा। लेकिन अभी क्या है कि अब चूंकि हमारे देश की पॉपुलेशन भी बहुत कम, बहुत ज़्यादा है, जीडीपी का आकार बहुत बड़ा नहीं है। जीडीपी ग्रोथ तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन आकार उसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि समय के साथ ही टैकल किया जा सकता है गवर्नमेंट मशीनरीज के द्वारा, पॉलिसीज़ के द्वारा, ठीक है। और सबसे आप ये अगर याद हो, सबसे पहले जो हमने बताया था प्राइमरी सेक्टर जब हम पढ़ा रहे थे, एग्रीकल्चरल इनकम की बात कर रहे थे, डबलिंग फार्मर्स इनकम की बात कर रहे हैं। तो मेन चीज हमारे क्या है, 70% पॉपुलेशन लगभग जो है कृषि में लगी हुई है, और उनकी इनकम अगर नहीं बढ़ेगी तो इनइक्वालिटी हमेशा ही रहेगी। अब उनकी इनकम कैसे बनेगी, जब उनके प्रोड्यूस को हम जो है फूड प्रोसेसिंग में, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में लाएँ, इंडस्ट्रीज़ क्लोजली एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ को हम गाँव में इस्टेब्लिश करें, वो लोग जॉब भी करें और उनके प्रोड्यूस को ज़्यादा इनकम भी मिले, तो इनकम तो बढ़ाना पड़ेगा। बिना रूरल सेक्टर और जो है प्राइमरी सेक्टर के इनकम बढ़ाए बिना हम इनइक्वालिटी को कम नहीं कर सकते हैं। अभी हम आके डिस्कस करेंगे जब एम्प्लॉयमेंट की इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुआ है इंडिया में, दरअसल वो किस तरीके का, उसका नेचर क्या है, अभी हम आके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सर ये जो तीन बिल आए थे वो उस तीन जो कृषि बिल आए थे उसमें भी तो यही था ना कि जो कंपनियों को गाँव में लेके आया जाएगा, फिर उसमें एक विवाद छिड़ा था कि अगर वही 10 मतलब एक आलू 20 रुपए में जाके बिकेगा तो किसानों को क्या फायदा होगा। अब देखिए ये थोड़ा सा मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा अगर हम उस पे घुस जाएंगे, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। प्रतीक हो, ठीक है सर? सर प्रशांत। अच्छा प्रशांत, ठीक है, मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा इसको। जी सर, मैंने आपको मेल भी किया था, आपने एक सवाल का जवाब दिया लेकिन दो का नहीं दिया। अच्छा अच्छा, ठीक देख लूंगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इनइक्वालिटी, इस तरीके से हमारा खत्म हो गया, ठीक है। वे अहेड इसमें हम डाल सकते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ को अपना सकते हैं, उसमें हम जो है ये लोअर सेगमेंट के इनकम को बढ़ाने के उपाय सोच सकते हैं, ये सब हम इसको सजेशंस में डाल सकते हैं, तो आंसर हमारा बढ़िया बन जाएगा। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, एक मिनट में आता हूँ, आप लोग आवाज आ रही है? हाँ सर। अच्छा, इनइक्वालिटी में किसी को कोई दिक्कत? नमस्कार, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, अगर कोई दिक्कत होगी तो बता दें। ये हमारी पहली स्लाइड है जिसमें बेसिक कंसेप्ट हमने दिए। भाई माइक आप लोग वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, जब क्वेश्चन पूछना हो तभी ऑन करिए। पहले स्लाइड में हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया, फिर इनइक्वालिटी की डिफिनेशन डिस्कस किया, लॉरेंज कर्व डिस्कस किया कि कैसे हम जो है इनइक्वालिटी को मेजर कर सकते हैं, फिर हमने इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस के डिस्कशन किया, उसके बाद हमने एक डेटा की बात कर लिया कि ग्लोबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, फिर इंडिया में कैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर उसके बाद हमने डायमेंशंस देखा कि इंडिया में इनइक्वालिटी के मेन कारण क्या हैं, ठीक है, इकोनॉमिक कारण के अलावा, फिर हमने देखा कि इनइक्वालिटी है समाज में तो उसका इफेक्ट क्या होगा। फिर हमने देखा कि हम उसको कैसे डील कर सकते हैं इनइक्वालिटी को। अब बात आती है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो बताइए अनएम्प्लॉयमेंट आपके हिसाब से क्या है, क्या समझते हैं आप अनएम्प्लॉयमेंट से? सर जनसंख्या के आधार पे या फिर पीढ़ी के आधार पे? आप ऐसे बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार कौन है? ओके, एनीवन?
वे सभी लोग लैंग्वेज नहीं बना पा रहे सर, जिसके पास कोई रोजगार ना हो बेरोजगार होते हैं, जिसके पास रोजगार ना हो बेरोजगार हो जाए, ठीक है ये। वे सभी लोग जो अपनी योग्यता के हिसाब से कोई रोजगार नहीं पाते हैं, वे मेरे हिसाब से होते हैं। ओके ठीक ठीक है ठीक है। तो देखो हाँ एनीवन चलिए अनएम्प्लॉयमेंट को समझना है तो जैसे सबसे पहले हमको एम्प्लॉयमेंट को समझना है। जैसे इस लड़की ने जो बोला वो सही है कि जो भाई रोजगार में नहीं है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो बात ये उठती है कि रोजगार क्या है, किसको हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट में है कौन, कौन है एम्प्लॉयमेंट में, किसको कहेंगे वो? सर जो कमा रहा है, जिसकी इनकम है, जिसके पास सोर्स है। बाबा रामदेव की इनकम है, सोर्स है, क्या एम्प्लॉयड है वो? वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए ना सर। नहीं तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ थोड़ी ना है, जहाँ जॉब नहीं, जहाँ जॉब नहीं लग रही है, मतलब हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब कुछ सरकारी जॉब नहीं होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा हमेशा इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त। इकोनॉमिक्स में रोजगार का मतलब ये है एनी पर्सन हु गेनफुली एंगेज्ड इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द रेफरेंस पीरियड इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई भी व्यक्ति है वो लाभप्रद तरीके से, ऐसा नहीं कि काम तो कर रहा है और लेकिन उसको जो है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि दिन भर बैठ के ताश खेलते रहते हैं, ताश के पत्ते, तो काम तो कर मतलब है। सर मतलब जो काम कर रहा है और उसको उसके बदले कुछ पैसे या कुछ मिल रहे हैं तो उसको बोलेंगे ना। एक रेफरेंस पीरियड में जब कोई व्यक्ति जो है एक लाभप्रद तरीके से काम कर रहा है, जैसे कृषि में है, कृषि में एक लोगों काम है, 10 लोग लगे हुए हैं, तो 9 लोग बेरोजगार ही हैं, वो रोजगार में नहीं है। क्योंकि अगर डेफिनेशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए, वो धर्म का कार्य नहीं होना चाहिए, वो समाज कल्याण का काम नहीं होना चाहिए, जैसा हमारे यहाँ बहुत सारी लोक पद्धतियों में बहुत अच्छे सिस्टम्स भी हैं लोगों के उपकार के लिए किए जाते हैं। तो एक नंबर की चीज़ वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए, और एक टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं, उस टाइम फ्रेम में हम एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, उसके बाहर और भीतर नहीं करते हैं, ठीक है। तो जैसे काम तो आप लोग भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट गेनफुली इंगेज्ड, आप किसी काम में गेनफुली इंगेज्ड नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए तो सर इसका कहना, आप तो सर इसका कहना ये है ना कि अगर हम कोई काम करें और जिससे हमारी इकोनॉमी में भी फायदा हो और हम भी फायदा में रहें, और जिससे हमारे काम करने से हमारे नीचे उसको भी काम मिले, नहीं नीचे ऐसा है क्या कुछ? काम मिले या ना मिले, लेकिन हम अगर काम कर रहे हैं तो हमको उससे लाभ होना चाहिए, हमारी कुछ इनकम जनरेट होनी चाहिए, जैसे इस लड़की ने बताया अभी, ठीक है। तो वो एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब इसके उल्टा हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट कौन है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जो भाई काम करने का इच्छुक है लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है, यानी कि हु आर जॉब सीकर, जो जॉब सीकर हैं, जॉब की तलाश में हैं, वो अनएम्प्लॉयड। जैसे क्या है, आप हम आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका उद्देश्य है ना जॉब करना, आप जॉब के लिए पढ़ रहे हैं ना, जॉब के लिए आप परेशान हो रहे हैं ना कि आपका उद्देश्य है, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट में हैं, अदरवाइज आप ना एम्प्लॉयड हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे एक बच्चा है 6 साल का, वो क्या है, वो जॉब उसके लिए प्रेफरेंस नहीं है, वो जॉब के लिए मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, एम्प्लॉयड उसको कहेंगे कि जो काम करने का इच्छुक है लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है, वो अनएम्प्लॉयड है। और जो किसी भी काम में, आर्थिक क्रियाकलाप में, एक दिए हुए समय में अगर वो गेनफुली लाभप्रद तरीके से अगर उसमें इन्वॉल्व है तो वो एम्प्लॉयमेंट हुआ, ठीक है। अब कुछ टेक्निकल शब्द यहाँ आपको देखने को मिलेगा और ये आपके उसमें पूछ सकता है प्रीलिम्स में,
और आपको आंसर लिखने के लिए ये सारे डेटा भी देखने होते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ये बहुत आजकल ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, बर्निंग इश्यूज है, खासकर कोरोना के बाद से तो, और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। तो सर जैसे मेंस में क्वेश्चन आता है जैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट का या कुछ, तो हम उसको मतलब किसी जैसे रिपोर्ट आई हो, जो डेटा आया हो, उससे स्टार्ट कर सकते हैं ना। यही तरीका ही होता है बेटा, अगर आप जो है किसी रिपोर्ट से साइट करके, अगर इन्वॉल्व करके, अगर उसको ले करके चलते हैं, तभी आपका आंसर अच्छा होता है, तभी आप दूसरों से अच्छा नंबर पाएंगे। ओके सर, पहले रिपोर्ट का कुछ डेटा दे देना चाहिए, फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी चाहिए। ये ऐसा जरूरी नहीं है डेफिनेशन लिखना, आप अगर क्वेश्चन की डिमांड हो डेफिनेशन लिखने की, तभी आपको डेफिनेशन लिखना है, अदरवाइज जो क्वेश्चन मांग रहा है उसी के आंसर अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है, ओके सर। ठीक है? ये जरूरी नहीं है हमेशा डेफिनेशन, लेकिन जी डेफिनेशन जी थैंक यू सर। पता होना चाहिए। तो ओके सर। सबसे सबसे पहले एक टेक्निकल वर्ड है लेबर फोर्स, तो हम सबसे पहले लेबर फोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? कि अब लेबर फोर्स क्या है, कि जो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, हैव अ जॉब, और जो लोग जॉब के लिए अवेलेबल हैं, सीकिंग फॉर जॉब, ठीक है, उन दोनों को मिला दिया जाए, एक तरीके से एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों को मिला दिया जाए, तो हमारा क्या है, लेबर फोर्स है, सिंपल। ठीक है, सर इसे दोबारा बता दीजिए सर। ये आपको वेन डायग्राम डायग्राम दिख रहा है, जी दिखा? देखिए यहीं से मैं समझा देता हूँ। देखिए एक टोटल पॉपुलेशन है किसी देश का, जो ये रेड कलर के जो है डायग्राम से दिखाया गया, दिख रहा है? दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। अगर ये टोटल पॉपुलेशन है पूरा, ठीक है, बाहर वाला जो रेड कलर से वो ले करके अंदर से, ये पूरा अगर जो है टोटल पॉपुलेशन है, तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे नीदर सीकिंग नॉर अवेलेबल फॉर जॉब्स। अब क्या है कि जैसे जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको जॉब की ज़रूरत तो नहीं है, वो जॉब के लिए परेशान नहीं होते हैं, बहुत लोग जो है सिक हैं या किसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। या हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि हमारे यहाँ महिलाएं पढ़ती तो हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं वर्क लेबर फोर्स में नहीं जाती हैं, वो काम करने के लिए मार्केट में नहीं आती हैं, तो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स, वो फिर अनएम्प्लॉयड नहीं कही जाएंगी। अनएम्प्लॉयड होने के लिए आपको काम की तलाश के लिए निकलना पड़ेगा, तब आप इन अनएम्प्लॉयड होंगे, ठीक है। और दूसरी तरीका, दूसरे जो लोग हैं जो नॉट अवेलेबल फॉर दी जॉब्स, जैसे कि हमने बच्चों को बताया था कि दे आर नॉट रेडी, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि 14 साल से नीचे के बच्चे को जो हम स्कूल में हमको दाखिला दिला के पढ़ाना है, उससे नीचे के बच्चे को हम काम ही नहीं दे सकते, नहीं तो हमको जेल हो सकती है, ठीक है। अब ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स और जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी पार्ट हो गया, जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो एक पोर्शन इसका हिस्सा ये निकल जाता है, वो आर नॉट वर्किंग, ठीक है, नॉट अवेलेबल फॉर जॉब, नॉट सीकिंग फॉर जॉब। फिर आता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या है? लेबर फोर्स दरअसल वो फोर्स है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं यानी एम्प्लॉयड हैं, वो तो इसके पार्ट है ही, और जो लोग सीकिंग और अवेलेबल फॉर जॉब्स, दो चीज़ें हैं, कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो ये पहला इसका वो है सर्कल, कि ये जो लोग काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयड हैं, और जो लोग काम मांग रहे हैं, तो ये सर्कल और दूसरा सर्कल, ये दोनों मिला के हमारा लेबर फोर्स होगा, यानी कह सकते हैं ये इसको ऊपर हमने और क्लेरिफाई कर दिया है, हैव जॉब्स यानी कि जो एम्प्लॉयड हैं, प्लस सीकिंग और अवेलेबल फॉर जॉब यानी कि जो अनएम्प्लॉयड हैं, इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, लेबर फोर्स, ठीक है। तो जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो लेबर फोर्स के टर्म्स में ही करते हैं, लेबर फोर्स का वो हिस्सा जो अनएम्प्लॉयड है, वो आर सीकिंग और अवेलेबल फॉर जॉब, बट दे कांट फाइंड एनी जॉब्स, आर अनएम्प्लॉयड। तो लेबर फोर्स का वो हिस्सा जो काम करने के इच्छुक हैं लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है, वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, उन्हीं को अनएम्प्लॉयमेंट कहा गया, ठीक है। और लेबर फोर्स का वो हिस्सा जो लोग के पास काम है और वो गेनफुली इंगेज्ड हैं, वो एम्प्लॉयड हैं। तो हमारे समझ से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई दिक्कत आया? जी सर।
पक्का? नो सर, यस सर, यस सर। ठीक ठीक है, अब वही बातें हमने यहाँ लिख दिया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोबारा हम मुझे नहीं लगता उसको डिस्कस करना चाहिए। तो जब भी हम एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, लेबर फोर्स के टर्म्स में ही देखते हैं। लेबर फोर्स एक टेक्निकल वर्ड है। इसके अलावा एक वर्किंग फोर्स होता है। वर्किंग फोर्स क्या है? दरअसल जो हमारा जॉब सेक्शन का लोग है या जो लोग काम कर रहे हैं वही वर्किंग फोर्स हैं। ठीक है, तो लेबर फोर्स वर्किंग फोर्स में यही अंतर है कि लेबर फोर्स में जो लोग अवेलेबल हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं वो भी शामिल होते हैं। वर्किंग फोर्स में क्या है कि जो लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं वही लोग शामिल हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड में क्या है, वर्किंग फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेबर फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर उसमें अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत की बात है। लेकिन लेबर फोर्स अब चूंकि इसलिए भी हमारे यहाँ एक तो पार्टिसिपेशन की वजह से महिलाओं के कम रहता है, दूसरा ये है कि जो लेबर फोर्स हमारा अवेलेबल है तो वो इसलिए भी ज़्यादा है कि हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम जॉब जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ का ज़्यादातर हिस्सा जो है बड़े लोगों के हाथों में चला जाता है। अब एज ए बीइंग ए सिविल सर्वेंट आप लोगों का यही काम है कि ये समस्या है इसको समझना है, इस समस्या को आसान बनाने के लिए आपके पास क्या कंस्ट्रक्टिव सुझाव हो सकते हैं, कैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो इसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टर्म और हैं, जैसे रेट लग जाता है, तो रेट की जब हम बात कर लेते हैं तो चेंज की हम बात करने लगते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, या पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स विद द टोटल पॉपुलेशन। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकल के आएगा कि जो टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ जो है वर्किंग हैं लेबर फोर्स में है। ठीक है, तो वो क्या निकल के आएगा, हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकल के आएगा, टोटल पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो लेबर फोर्स में है। ठीक है, लेबर फोर्स का मतलब क्या है, जो लोग एम्प्लॉयड हैं और जो लोग जॉब की मांग कर रहे हैं लेकिन जॉब नहीं है। दूसरी तरफ क्या है, वर्किंग फोर्स वर्किंग वर्क पार्टिसिपेशन रेट, ये कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ द पर्सन इन द वर्क फोर्स विद द टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो लोग गेनफुली एम्प्लॉयड हैं किसी काम में। ठीक है, फिर तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो नंबर ऑफ दोज अनएम्प्लॉयड विद द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स हु नॉट एबल टू सीक अ जॉब फाइंड अ जॉब। ठीक है, कि लेबर फोर्स का वो हिस्सा जो लोग जॉब नहीं पाए हैं लेकिन जॉब की तलाश में हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहा जाता है। ठीक है, इसको आप मैथमेटिकली ड्राइव भी कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल वर्ड हमको हमारे समझ से समझ में आ गया होगा, किसी को ना समझ में आया हो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट एम्प्लॉयमेंट रेट लेबर फोर्स वर्किंग फोर्स और इससे रिलेटेड जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वर्क पार्टिसिपेशन रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, किसी को ना समझ में आया हो? आ गया सर। आ गया, ओके थैंक यू। सर क्लियर, ओके। अब हम एक बार स्लाइड दे दीजिए वो लिख, अरे ये आपको मिल जाएगा, आप लिख लीजिएगा, स्लाइड तो आपको मिलेगा ही। फिर हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कि कितने प्रकार के हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में पाया जाता है। ऐसे प्रकार तो 8-10 भी हैं लेकिन जो मोटे मोटे तौर पे हम बात करते हैं वो 6 हैं, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जब हम इंडिया की बात करेंगे, अगर और देशों की बात करें तो वहाँ प्रॉब्लम होती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की, सबसे पहले सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात, ठीक है, फ्रिक्शनल स्ट्रक्चरल की बात होती है। हमारे यहाँ क्या है, सबसे बड़ी समस्या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा वर्कफोर्स जब लगा हो, जैसे खेतों में हमने देखा, इसको तो बहुत बार हमने डिस्कस किया है, तो वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कि सीजन के हिसाब से बेरोजगारी हो जाती, जैसे कि अभी बरसात का मौसम आ रहा है, अभी जो है
पैडी प्लांटेशन होना है तो लोगों के लिए लिए जॉब अवेलेबल रहेगा। ये मौसम निकल गया, लोग फिर बेरोजगार हो जाएंगे। स्ट्रक्चरल क्या है कि जब इकोनॉमी में चेंजेज होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं, जैसे कि पहले क्या था इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, एग्रीकल्चर सेक्टर का, अब किसका है, सर्विसेज सेक्टर्स का। तो इसके वजह से जॉब में कुछ लोग बेरोजगार हो सकते हैं क्योंकि उनके पास उस तरीके के स्किल्ड नहीं होते हैं, उस तरीके को लेबर फोर्स नहीं हो पाते हैं कि इकोनॉमी में जो चेंजेज होते हैं उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ। ठीक है, चौथा है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल मतलब यही है कि कभी जो है बूम की स्थिति है, कभी जो है मंदी की स्थिति है, जैसे इस समय जो कोरोना वायरस है तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट, अभी उसका भी डेटा हम आपके सामने रखेंगे, अभी परसों ही CMI ने डेटा रिलीज किया है। तो एक समस्या ये है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा रोबोटिक्स का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। फिर क्या है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बाद क्या है कि लोग खुद ही एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब के पीछे लगे रहते हैं, ठीक है, तो ताकि उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाए या जॉब सेटिस्फैक्शन मिल जाए इसकी वजह से, तो ये एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब देखो इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, एक हमने यहाँ चित्र दे दिया है। देखिए समझ में आ, देखिए सबसे पहले हमने डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात किया है, यहाँ देख रहे हैं दो बैल हैं और इस पे पांच लोग हैं एक के बैल पे, जबकि इसमें केवल जो है दो लोगों का काम है, एक लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग जब काम कर रहे हैं तो उनकी क्या होती है प्रोडक्टिविटी जीरो होती है या तो नेगेटिव होती है। भाई जो काम एक आदमी कर सकता है उसको चार आदमी करें करने की क्या ज़रूरत है, यानी तीन लोगों की उसमें प्रोडक्टिविटी कुछ है ही नहीं है। तो वो लोग क्या है देखने में तो एम्प्लॉयड हैं लेकिन एक्चुअल में वो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। ये देखिए ये क्या है टेक्नोलॉजिकल है, टेक्नोलॉजिकल इसमें क्या है टेक्नोलॉजिकल भी इसको या स्ट्रक्चरल भी हम देख सकते हैं, दोनों कह सकते हैं कि देखिए ये लोग पहले आदमी यहाँ काम करते थे, अब इनकी जगह कौन आ गया है, कौन है ये यस, अब उनका जगह रोबोट ने ले लिया है, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, तो लोग बेरोजगार हो गए। ये देखिए सीजनल है, कभी जो है हमको फार्मिंग करनी है, कभी टूरिज्म का हमेशा समय नहीं होता है, रिटेलिंग का समय हमेशा नहीं होता है, हॉस्पिटैलिटी है, ठीक है, तो ये सब मौसम के अनुसार डिपेंड होते हैं, जब मौसम आया तो रोजगार है, नहीं है तो नहीं हो। ये देखिए जो है ये हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कि ये देखिए फेज है, ये पीक है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत अच्छे से चल रही है, ये एक्सपेंशन है, ये रिसेशन है, ये मंदी है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा क्या है कि काम लोगों को ज़्यादा और कम मिलता है, तो जब मंदी आ जाती है तो लोगों के पास काम नहीं रह जाता है, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, जैसे कि इस समय क्या है एक अलग तरीके की समस्या इकॉनमी में जनरेट हो गई है, और इकॉनमी का अगर हम एक्सपेंशन पाथ निकालें तो लगभग इकॉनमी हमारी इस जगह आकर के खड़ी हुई है, ठीक है। तो इस जगह क्या है कि लोगों के पास रोज़गार है ही नहीं है, बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक। ये देखिए ये फ्रिक्शनल इसको बोलते हैं, देखिए ये हम यहाँ पुराना जॉब कर रहे थे नए जॉब के लिए छलांग मार रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में एक गेस्टेशन पीरियड होता है, तो उसमें हम लोग काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उसी को कहा गया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और एक ये देखो ओवर क्वालिफाइड लोग हैं, जब कोई जो है जिसकी क्वालिफिकेशन अधिक है, काम करने की क्षमता अधिक है, और वो अपने स्तर से कम पेमेंट वाले काम पे कर रहा हो तो उसको ओवर क्वालिफाइड या अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो उससे क्या इकोनॉमिक लॉस होता है कि भाई अगर आप इकोनॉमी के लिए मान लीजिए कि रोज़ 1,000 रुपये का प्रोडक्शन कर रहे हैं और आप 500 रुपये वाला काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है 500 रुपये आपका व्यक्तिगत लॉस तो है ही है लेकिन इकोनॉमी का भी लॉस है, समझ रहे हैं ना। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हो गए हैं। अब ये बात आ गई जिसे हमने बताया था रेफरेंस पीरियड, इसके पहले हमने बता दिया था कि जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन पे जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो उसका वो कौन ऑर्गेनाइजेशन है,
कौन काम करता है वो? NSSO। हाँ गुड, ये हमने पहले भी बताया था, एक है CSO एक है NSSO। CSO और NSSO दोनों हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत काम करता है, ठीक है, MOSP या ई। तो जो मेजरमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट का वो कौन करता है? NSSO करता है। तो अब तक ये तीन अप्रोच हैं, एक चौथा अप्रोच भी डेवलप किया गया है जो यहाँ मैंने मेंशन करना भूल गया हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये इन्होंने 17-18 में स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद से ये दोबारा रीस्टार्ट नहीं कर पाए थे। उसमें यह कहा गया था कि डेटा हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का, जैसे पहले ही हमने बताया था कि केवल ये पंचवर्षीय होते हैं, हर 5 वर्ष पे आते हैं। तो इसके वजह से हम एक सही पॉलिसी बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटा की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, है कि नहीं? तो उसके लिए क्या हमको हर साल के डेटा चाहिए। तो उन्होंने स्टार्ट किया था, बहरहाल उसके बाद हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, अभी तक वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। लेकिन एक बार डेटा आया है लेबर फोर्स का पीरियोडिक सर्वे, ठीक है। तो जो तीन मेजरमेंट हैं अनएम्प्लॉयमेंट को मापने का है वो यूजुअल स्टेटस अप्रोच है, वीकली स्टेटस अप्रोच है और डेली स्टेटस अप्रोच है। हालांकि आजकल जो है तीनों को मिक्स करके अपनाया जाता है। तो यूजुअल क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है वो 365 दिन में अगर गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं होता है मेजर टाइम, तो क्या है ये एट द टाइम ऑफ सर्वे के पहले, तो क्या है वो अनएम्प्लॉयड माना जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल स्टेटस अप्रोच। अगर एक वीक की बात करें, वीकली स्टेटस का मतलब है कि वीक की जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति जो है डिड नॉट हैव गेनफुल वर्क इवन फॉर एन आवर और एनी डे ऑफ द वीक, अगर एक सप्ताह में वो किसी एक दिन या एक घंटे भी काम नहीं करता है, तो उसको हम कहेंगे वीकली स्टेटस अप्रोच, अनएम्प्लॉयड इसको करार दिया जाता है। और एक है डेली स्टेटस अप्रोच कि कोई भी पर्सन ये है कि एक दिन में एक घंटा भी काम ना करे, तो उसको हम कहेंगे अनएम्प्लॉयड है। तो ये देखिए, इसको ये डीप प्रिसिजन है, मतलब कि इसको ये कम्प्रिहेंसिव रोज की बात करता है, ये थ्रू आउट द ईयर्स की बात करता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच है डेली और वीकली स्टेटस, ठीक है। हालांकि वीकली स्टेटस और जो यूजुअल स्टेटस ही ज़्यादा अपनाया जाता है। अब देखिए, ये टेक्निकल ग्राफ है, इसमें आपको घोषणा नहीं है, इसका छेड़छाड़ नहीं करना है, बस केवल इसको समझाने के लिए हमने अपने रिसर्च पेपर से रखा है, ये हमने इस्तेमाल किया था क्योंकि हमारा रिसर्च इसी पे है। तो इसको केवल समझना है आपको, इसके डेटा में नहीं जाना है, इसको और टेक्निकल वर्ड इसके नहीं समझना है, क्योंकि इतना टेक्निकल UPSC मांगता नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए, एक तरफ हमने क्या ले रखा है GDP ग्रोथ रेट, और एक तरफ हमने क्या ले रखा है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ले रखा है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ले रखा है, ई जो है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है। तो जो हम देखें कि ये 1972-73 से अगर 2009-10 के बारे में देखें जब तक डेटा अवेलेबल है, तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी दरअसल एक ऐसा टर्म है जिसमें हम ये देखते हैं कि GDP के बढ़ने के साथ क्या एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, यानी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन कंपेरिजन टू GDP। समझ में आया? तो वो उसको हम टेक्निकली कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, या हम कह सकते हैं रोजगार की लोचशीलता। जैसे जैसे GDP बढ़ना चाहिए वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए, यानी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। तो समय के साथ हम क्या देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम हुआ है। इसका वजह क्या है कि GDP, अगर ये रेड कलर की लाइन देखें तो GDP जो है हमारा लगातार बढ़ता गया है, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ क्या है, लगातार घटता हुआ है, ठीक है, घट रहा है। तो इसके वजह से एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी घट रहा है। अब ये बातें क्या हुई है कि 1991 के बाद से ये चीज़ें और शार्प हो गई हैं, यानी कि जिस तरीके से हमारा GDP ग्रोथ हुआ है उस तरीके से हमारा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हुआ नहीं है बल्कि कम हुआ है। तो इसी को कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ, कि ग्रोथ तो बढ़ रहा है लेकिन GDP बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। दूसरे
राइट हैंड साइड में जो ग्राफ है ये देखिए, दो चीज़ें इसमें हमने ले रखी हैं, तीन चीज़ें, कि ये ब्लू कलर की लाइन है जो जीडीपी दिखा रहा है एकदम यूजुअल सिंपल, कि हमारा बढ़ता ही गया है। पहले हम 4.66% की ग्रो कर रहे थे, बाद में जो है 4.5 और 9.10 के बीच में हमने 9% तकरीबन ग्रो किया इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद का हाल तो आप जानते ही हैं, स्लो डाउन, यूरोजोन क्राइसिस, फिर स्लो डाउन, फिर जो है कोरोना वायरस, ये कहानी है उसके बाद की। तो जीडीपी बढ़ा है, और जीडीपी के साथ जो बढ़ा है ये ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ बढ़ा है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। अगर हम ग्रोथ ये कहें कि ग्रोथ कहाँ कहाँ से आता है, तो एक हिस्सा तो ये हो गया कि लेबर जो काम करते हैं वहाँ से आता है, दूसरा हिस्सा ये हो गया कि जो कैपिटल है यानी कि जो मशीनरी है उसके एम्प्लॉयड होने की वजह से जो ग्रोथ आता है, तो एक वो हिस्सा हो गया, और तीसरा हिस्सा हो गया प्रोडक्टिविटी यानी कि लेबर की प्रोडक्टिविटी एज वेल एज कैपिटल की प्रोडक्टिविटी दोनों की, कि पर यूनिट अगर हम कैपिटल खर्च कर रहे हैं, एक यूनिट कैपिटल अगर 1 रुपया कैपिटल पे खर्च कर रहे हैं तो उसकी वजह से कितने रुपए हम जीडीपी बढ़ा दे रहे हैं, या 1 रुपया अगर हम जो है लेबर पे खर्च कर रहे हैं तो वो कितने रुपए का जो है प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं, ये प्रोडक्टिविटी होता है। इसको तो पहले भी समझाया था, तो इसमें डाइवर्जन समझ में आ रहा होगा देखिए। इसीलिए जीडीपी ग्रोथ जो है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ता हुआ है क्योंकि प्रोडक्टिविटी ग्रोथ बढ़ता हुआ है। तो ये जो ग्रोथ हुआ है कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, प्रोडक्टिव सेक्टर, या कह लीजिए ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा दिया गया। सरकारी जॉब जो है मेजरली, एक देखिए एम्प्लॉयमेंट का एक और जो है कंपोजिशन, जिसे हमने बताया था एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जब आप डिस्कस कीजिएगा तो इसके कंपोजिशन भी हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, मेल फीमेल, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक प्राइवेट, ये सारे डायमेंशंस हैं जो आपको डीपली इसको डिस्कस करना पड़ेगा अगर इस पर क्वेश्चन पूछेगा तो, वो आप लोग देखिएगा। अभी रिसेंट के डेटा हैं, यहाँ मैंने लिंक दे दिया है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, परसों की खबर है, जिसमें एक हमारे यहाँ एक प्राइवेट डेटा सेंटर है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में CMIE। तो इन्होंने जो है 2020 से मई से इन्होंने मंथली डेटा प्रोवाइड किया, उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में किस तरीके से रहा है पिछले एक सालों में, ओवरऑल इन्होंने ये दिया है और अर्बन और रूरल के हिसाब से दिया हुआ है। तो जैसे मई 2020 लॉकडाउन का पूरा समय, उस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो सबसे ज़्यादा था 23.14% था, ठीक है, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट था ये अर्बन। अगर ओवरऑल हम बात करें तो 21.72 ग्रोथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जिसमें शहरों में ज़्यादा था, गांव में 21.11 था, ठीक है। फिर ये क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे इकॉनमी अनलॉक हुई है वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घट रहा था, उसके बाद फिर ये जो है दूसरा फेज आ गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर बढ़ गया है। और अभी मई 2021 की अगर हम बात देखें तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो तकरीबन 11-12% है, जिसमें से तकरीबन 14.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट केवल शहरों में है और तकरीबन 10.5% से ज़्यादा गाँव में है। ये भी बहुत ज़्यादा होता है, डबल डिजिट का अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये रिसेंट हैं स्ट्रक्चर्स हैं जिसको आप याद करके लिख सकते हैं आंसर में, अच्छा होगा। काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये तो आप जानते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, जैसे कि ग्रोथ रेट। अब देखिए एक बात आप हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ HDI की बात कर लेते हैं, HDI के तीन डायमेंशंस हैं। तो HDI तो रैंक हमारी बड़ी है, HDI वैल्यू भी बड़ी है, लेकिन HDI ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो उसमें इंडिया में 1991 के बाद से ग्रोथ में कमी देखने को मिली है। ग्रोथ अलग चीज़ है कि ओवर द ईयर्स ऑफ टाइम्स हम देखते हैं कि एक साल की तुलना में अगले साल क्या ग्रोथ हुआ है, ठीक है, तो वो स्टेगनेंट रहा है। तो HDI इंडेक्स वैल्यू भी बढ़ी है, रैंक भी इंडिया की बढ़ी है, लेकिन ग्रोथ नहीं बढ़ा है। अब उसका क्या है कि उसके तीन डायमेंशंस है, एक तो ये पर कैपिटा इनकम कम्स फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ उस तरीके से बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ा जिस तरीके से हमारा पॉपुलेशन बढ़ा है। दूसरा है पर कैपिटा, इसीलिए पर कैपिटा इनकम कम आती है, पर कैपिटा इनकम कम आने के दो फैक्टर फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक चीज़ ये है कि एक तो GDP ग्रोथ बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ा, दूसरा तो ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुआ,
जो नीचे की वैल्यू है वो तेजी से बढ़ी और ऊपर की वैल्यू कम तेजी से बढ़ी, इसलिए जो है पर कैपिटा इनकम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं सुधरा। और दूसरी तरफ है एजुकेशन, हेल्थ, सरकार ने हेल्थ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हालांकि खर्चे बढ़ाए हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर समय के साथ, लेकिन एजुकेशन आज भी हमारा वही कन्वेंशनल एजुकेशन बीए करके सब घूम रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन की ज़रूरत है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इस प्रॉब्लम को, ठीक है। अनडेवलप्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जिसे हमने बताया कि एक लैक डेसियल है, एक तरीके लैक लक्ष्य ऑफ दी जो है इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट की कहानी है, एक्लेसील कह सकते हैं इसको, यानी कि ये सबसे कमज़ोर पक्ष रहा है एग्रीकल्चर ग्रोथ। यहाँ इनकम जो है बहुत बहुत जो है कम तेज़ी से बढ़ा है अन सेक्टर्स के मुकाबले में। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, वही मतलब कि कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में हमने बात करी है। स्लो ग्रोथ रेट ऑफ मैनुफैक्चरिंग सेक्टर, देखिए इंडिया की और चाइना के जीडीपी ग्रोथ की स्टोरी में यही डिफरेंस है कि उन्होंने एक तो 80s में लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया, और चाइना का जो एज है, जो चाइना ने ग्रोथ किया वो मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में, यानी कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर में, मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रो किया, तो इसलिए उन्होंने अच्छे से जो है अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, इस तरीके से वहाँ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बना चाइना। हमारे यहाँ क्या है कि ग्रोथ तो हुआ लेकिन वो सर्विस सेक्टर के द्वारा ग्रोथ दिया गया, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ सेक्टर है वो, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर के द्वारा, जहाँ कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लोगों की रिक्वायरमेंट कम होती है, और वो भी लोग हमारे क्या होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, वेल एजुकेटेड होने चाहिए। आवाज़ आ रही है ना? यस सर। समझ में आ रहा? ऐसा तो नहीं सो गए? नहीं सर, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। सो तो नहीं रहे हैं? नहीं ऐसा कोई, ठीक है। तो ये सब कारण हैं, इसमें कुछ डिस्कस नहीं करना, आप भी जानते हैं कोई टेक्निकल नहीं है, आप आसानी से, हाँ उसमें से ये कि ये कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसका भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ये देखिए आप इस इंडस्ट्रीज़ का विकास करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का विकास होता है तो देश में इनइक्वालिटी भी कम होता है, पॉवर्टी भी कम होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देते हैं, और ये पोटेंशियल होता है कि वो जाके आगे बड़ा बड़ी कंपनी बन सकती हैं। तो ये आपके काजज आप अनएम्प्लॉयमेंट हैं। इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए पॉवर्टी के, इनइक्वालिटी के, ये सबके अनएम्प्लॉयमेंट के सारे कॉन्सिक्वेंसेस एक होते हैं लगभग लगभग। अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पॉवर्टी कम नहीं हो पाएगी। सोशल कॉस्ट, जैसे कि आपको पता है कि एक तरफ गरीबी भी बढ़ जाती है तो उसके वजह से लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ पाता है, लोग एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लोग हेल्थ पे काम खर्चा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ जो है इकॉनमी में डेवलप नहीं हो पाता इस तरीके से, तो ये कॉस्ट है एक इस पे। इसीलिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं या प्लानर्स हैं या पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, उनको कहते हैं कि मॉडल दो तरीके से हो सकते हैं, कि एक आपको याद होगा, जैसे यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप नोट कर सकते हैं, ट्रिकल डाउन अप्रोच। इसमें क्या कहते हैं कि आप ग्रोथ करिए, एम्प्लॉयमेंट स्वतः जनरेट होगा, चूँकि ऐसा नहीं होता है। ये बहुत सारे इकोनॉमिस्ट मानते हैं देयर इज ऑटोमेटिक लिंक बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड जीडीपी ग्रोथ, कि अगर जीडीपी ग्रोथ होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा, लेकिन ऐसा होता था वो हमेशा सही नहीं है, क्योंकि ये नेचर ऑफ इकोनॉमी, ग्रोथ कंपोजिशन, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे इंडिया में देखा जाए तो 1991 के बाद से ग्रोथ तो बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उस तरीके से नहीं जनरेट हुआ, क्योंकि जो लिंक है बिटवीन द जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, टूट गया। तो अगर लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, कंपटीटिव सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तब तो ठीक है कि जीडीपी बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी होगा, जॉब भी बढ़ेगा। अगर लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ग्रोथ अगर सर्विस सेक्टर से आया या किसी और से, तो क्या होगा कि वो जो है जॉबलेस ग्रोथ हो जाएगा, तो जैसे इंडिया की स्टोरी रही है। तो एक इसके विपरीत दूसरा अप्रोच ये है कि हम एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी बनाएं, जिसमें एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं आर्थर ओकुंस, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने दरअसल जब रिसेशन चल रहा था मंदी में, उस समय 1970s में इन्होंने सुझाया था अमेरिका के लिए कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट लेड स्ट्रेटजी अपनाएं
तो क्या हुआ, जीडीपी ग्रोथ हमारा बढ़ सकता है। यानी कि अगर हम 1% अनएम्प्लॉयमेंट में रिडक्शन करें, इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रोथ हमारा 2% बढ़ जाएगा। कहीं कहीं आपको 2.5 भी मिलेगा, कहीं कहीं 3% भी मिलेगा, ये अलग अलग लोगों के अलग अलग एस्टीमेट हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो ये यही बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर रिड्यूस करने की स्ट्रेटजी अपनाएं तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ सकता है। फिर इन्होंने 70s में यही कहा कि एक और है, उसके पहले आप समझ लीजिए फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या बताता है? फिलिप्स कर्व दरअसल ये बताता है कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट कम हो, यानी कि महंगाई का स्तर कम हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ा सकते हैं, यानी महंगाई दर बढ़ा सकते हैं, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा। शॉक तो नहीं हो गए? हेलो सर, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन वही तो पूछ रहे हैं, शॉक तो नहीं हो गए? ऐसा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन है, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा कैसे होगा वही बता रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन रेट कम है, महंगाई कम है, तो जो एंटरप्रेन्योर है, जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे गुड्स हो, तो उसको अगर प्राइस ज़्यादा नहीं है तो लाभ भी कम होगा। लाभ कम होगा तो लोगों को कम रोज़गार पे भी रखेगा, लेकिन अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो लोगों को रोज़गार पे रखना ज़्यादा पसंद करेगा, ठीक है? तो इस वजह से क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। अब बात ये है कि इन्फ्लेशन रेट कैसे बढ़ाएं, तो उसका ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी से इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। कि जब मुद्रा में, एकदम नेचुरल फेनोमेना है कि जब इकॉनमी में मुद्रा की पूर्ति हम बढ़ा देते हैं, मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं, तो उसकी वजह से इकॉनमी में महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है? तो और महंगाई जब बढ़ती है तो मुद्रा की सप्लाई हम कम करते हैं, और ये किसके माध्यम से होता है? ये रेपो रेट के माध्यम से होता है। अब रेपो रेट तो आप लोग जानती ही होंगे, पढ़ा चुका हूँ। नहीं पता? चलिए, ये आपका टास्क है, आप इसको जाके पढ़िएगा। लेकिन 1970s में क्या है, ओकुंस एक बार फिर से आते हैं, उन्होंने फाइंड किया कि ऐसा ये ऑलवेज सही नहीं होता है। इसका कंट्राडिक्शन मिल्टन फ्रीडमैन ने भी किया, हालांकि ये बहुत स्पेसिफिक हो रहा है तो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसूंगा, क्योंकि आपको सामान्य जानकारी यहाँ चाहिए। तो एक और इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था मिल्टन फ्रीडमैन, उन्होंने कहा ये शॉर्ट रन के लिए सही है, मतलब अल्पकाल के लिए फेनोमेना सही है इनकी बात, लेकिन जब हम दीर्घकाल की बात करते हैं तो ये बात सही नहीं है। तो ओकुंस ने खुद ही देखा कि 70s में कि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, मतलब कि जो फिलिप्स ने कहा था उसके ठीक उल्टा हो गया। तो उसी को कहा इन्होंने माइजरी इंडेक्स, या उस समय इन्होंने स्टैगफ्लेशन कहा था। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या स्टैग ये है, स्टैगफ्लेशन और मिजरी इंडेक्स। इसमें क्या है कि जब इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाए, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए, कि एक तरफ जॉब भी ना हो और दूसरी तरफ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाए, यानी महंगाई भी बढ़ जाए, यानी मिजरी, दयनीय स्थिति, ठीक है? तो स्टेप टेकन बाय, जैसे इसको जो है मैंने पहले स्लाइड में, पहले लेक्चर में बताया था, जो पॉवर्टी रिडक्शन के हैं वही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के भी मेजर्स हैं। जब पॉवर्टी रिडक्शन की हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसमें दो तरीका अपनाते हैं, एक कि डायरेक्ट हम पॉवर्टी को जो है कम करने के लिए पॉलिसीज ला सकते हैं, दूसरा ये है लिंकेजेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट में, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की हम स्कीम ला सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम जो पॉवर्टी की है वही यहाँ है, जैसे कि कौशल विकास मिनिस्ट्री जो है एस्टेब्लिश किया गया है, कि लोगों, हमारे यहाँ लोग तो बहुत हैं, डेमोग्राफिक डिपेंडेंट है, काम करने वाले लोग हैं, लेकिन वो उनके पास स्किल्ड नहीं है, वो दे आर नॉट स्किल्ड, दे आर रिक्वायर्ड टू स्किल एंड द अप स्किलिंग री स्किलिंग इन द स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ऑफ द इकॉनमी। जैसे जैसे हमारी इकॉनमी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी इकॉनमी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है,
तो उस तरीके से हमको लेबर फोर्स चाहिए जो स्किल्ड हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो, ट्रेंड हो, स्किल्ड हो। काम कराना है मारुति सुजुकी में प्लांट में, तो हमको बीए कराने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और रोज़गार का मतलब केवल जो है सरकारी जॉब से नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारे स्टेप्स इन्होंने लिए हैं, जैसे कि मनरेगा है, मुद्रा है, स्टैंड अप इंडिया स्किल मिशन है, ये सारे जो है स्टेप्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हैज़ बीन टेकन। ये आप लोग यहाँ स्कीम्स के नाम लिख के उसको डिस्कस कर सकते हैं, आंसर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर आप सजेशंस भी दे सकते हैं कि आगे आपको क्या करना है। पॉपुलेशन कंट्रोल तो करना ही करना है, जो कि अब धीरे धीरे हो भी रहा है। उसके साथ हमको लोगों को स्किल्ड भी करना है, एजुकेशन सुधार करना है, वोकेशनल एजुकेशन देना है, इसके साथ जो है प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है, ट्रेनिंग को इन्हांस करना है, हेल्दी बनाना है लोगों को, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर हमको सृजित करने पड़ेंगे। इसलिए गवर्नमेंट का जो है, करंट गवर्नमेंट का फोकस किस पे है? वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू जॉब सीकर्स, वी आर रिक्वायर्ड टू जॉब क्रिएटर्स। हमको क्या चाहिए? जॉब को मांगने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, हमको जॉब को पैदा करने वाला व्यक्ति चाहिए। इसीलिए स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया स्कीम लेके आया गया है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। हमको एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है, नई नई कंपनी खोलने की ज़रूरत है, नए नए क्षेत्रों में विकास हो रहा है, नए नए अवसर आ रहे हैं, उस पर इंडियंस आगे आए, ठीक है। वे फॉरवर्ड में आप एक चीज़ लिख सकते हैं, हमारे यहाँ एक इकोनॉमिस्ट हैं, दरअसल अमेरिका के हैं, पॉल क्रुगमैन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि इकॉनमी के लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा अगर हमारा प्रोडक्टिविटी लगातार होते रही, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इक्वल होता रहे और अनएम्प्लॉयमेंट कम होता रहे। तो ये तीन सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं इकॉनमी के लिए, पॉल क्रुगमैन ने बताया। ओलाइवल लैंडमैन ने ये कहा कि अगर ये तीनों चीज़ एकदम सेटिस्फैक्ट्री डायरेक्शंस में हैं तो एवरीथिंग इज़ फाइन, गवर्नमेंट विल बी स्टेबल, नो इशू इन द इकॉनमी। अगर ये तीनों अगेंस्ट में गए, कैन रॉन्ग, देन इकॉनमी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। वही इन्होंने लिखा, इफ दीज थिंग्स आर सेटिस्फैक्ट्री नॉट मच एल्स कैन गो रॉन्ग, इफ दे आर नॉट नथिंग कैन गो राइट। ये ओलाइवल लैंडमैन का है, तो ये इससे आप फिनिश कर सकते हैं अपने आंसर को, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आज इनइक्वालिटी, पहले लेक्चर में पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है। इसमें किसी को दिक्कत हो तो एक बार आप पुनः हमसे संपर्क कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर के। सबसे पहले हमने एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन देखा, उसके रेट्स देखे, लेबर फोर्स देखे, वर्किंग फोर्स देखा, वेन डायग्राम के माध्यम से इसको समझाया हमने, एम्प्लॉयमेंट से तरीके देखे, डेफिनेशन अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के समझे, कैसे इसको मेजर किया जाता है, ठीक है, ट्रेड ऑफ किया है, दिक्कतें क्या हैं इस समय करंट में, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है। हाँ, एक चीज़ और छूट गया है यहाँ, वे फॉरवर्ड में आप इंक्लूसिव ग्रोथ को लिखना ना भूलें, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ दरअसल आपको हम बता चुके हैं, केयर अबाउट केयरलेस, वॉइस अबाउट वॉइसलेस, स्ट्रीम लाइन अबाउट स्ट्रीमलेस, कि जो विकास के मुख्यधारा में नहीं है, जिनकी कोई अभिव्यक्ति नहीं है, जिनकी कोई केयर नहीं करता है, हिंदी की विकास की धारा में अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, अगर विकास का लाभ उस तक पहुँचे तो हम कहेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ है, और जिसको जैसा ज़रूरत हो, इक्विटी की जब हम बात करें तो जो है इंटर एज वेल इंट्रा ग्रुप इनइक्विटी की बात करें तो वो क्या है, हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ है। यानी कि ग्रोथ का लाभ सब सेक्शंस को मिले, सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को मिले, इनइक्वालिटी कम हो, जॉब जनरेट हो, लोगों की इनकम बढ़े, ठीक है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ आप वे फॉरवर्ड में आप इंक्लूड कर दीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई चीज़ ना समझ में आया हो? आवाज आ रही है ना? यस सर। एक बार क्विक रिवाइज कर लीजिए, एक मिनट में मैं स्लाइड को घुमा रहा हूँ, जिसमें दिक्कत होगी बताना।
ठीक है, ओके। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर।